Why I killed my friend with illegal weapons? Yes guys, मैंने Minecraft के अंदर अपने दोस्त को मारा illegal weapons के साथ, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखो गाइस, ऐसा है, मैं माइनक्राफ्ट के अंदर अपने दोस्तों से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन कई बार जब वो लोग बहुत ही ज्यादा बड़ा कांड कर लेते हैं तो भाई मैं भी छोड़ता नहीं उन लोगों को। एंड आज की वीडियो में भी गाइस कुछ ऐसा ही हुआ था। तो तुम लोगों को तो गाइस पता ही है मुझे माइनक्राफ्ट के जानवर कितने ज्यादा पसंद है। मेरे पास माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे डॉग्स है जो मैंने पाल के रखे हुए हैं, अलग अलग उनके नाम रखे थे। तो गाइस मेरा ये प्यारा सा विजर्ड्स लैब का जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास सिर्फ दो ही डॉग्स थे, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स को टेम करता हूँ, उनको लेकर आऊंगा, अपनी पूरी की पूरी एक आर्मी बनाऊंगा, एंड देन मैं इनके साथ डेली बेसिस पे खेलने वाला था यहाँ पर। लेकिन एकदम से गाइस क्या होता है, एक बार मैं एक्सप्लोरेशन से वापस आ रहा था और मैं क्या देखता हूँ मुंह के सामने कि मेरे सारे के सारे डॉग्स मर चुके हैं, ओनली 4 या 5 बचे हुए थे। और मुंह के सामने देखो गाइस कितना तगड़े वाला धमाका हो रखा है, और ये चीज देखकर मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। हेलो ब्रो, ये क्या मजाक है, मेरे सारे के सारे डॉग्स, ओ माय गॉड, किसी बंदे ने यहाँ पे मोटे तरीके से यहाँ पे धमाके करे हुए भाई। देखो यहाँ पे हर जगह पे TNT फाड़ के मेरे सारे के सारे जानवर मार दिए ब्रो। ये किसकी हरकत हो सकती है ऐसी भाई कि मेरे जानवरों पे अटैक कर दिया। एक सेकंड रुको गाइस, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। गाइस जिस किसी ने भी किया है ना, मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे उसके खानदान को ना माइनक्राफ्ट गेम के अंदर से उड़ा देने वाला। देखो यहाँ पे भाई, हमारे विजर्ड्स लैब की जो बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा विजर्ड सोया करता था, ये भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। विजर्ड भैया, अरे भाई तू अंदर क्या चिल कर रहा है, चेस्ट खोल के अंदर देख रहा है उसके अंदर, तू क्या कर रहा है, किसने किया ये? वेट, तूने कहीं गलती से कोई एक्सपेरिमेंट किया हो और यहाँ पे धमाके से मेरे सारे डॉग्स मर गए तो नहीं हो कुछ दिन? सच बोलियो, देख अगर तू झूठ बोल रहा है ना भाई, मैं तेरे को अभी यहाँ पे उड़ा दूंगा। तू चाहे भले जितना मर्जी मायावी बंदा है, बट मेरे को अभी बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, मेरे सारे के सारे जानवर उड़ चुके हैं, लाइक भाई उनका अस्तित्व खत्म हो चुका। मैंने कम से कम गाइस आई थिंक 25-30 कितने थे, 40 से ज्यादा डॉग्स थे भाई मेरे पास, सारे खत्म हो गए, लाइक 5 बचे सिर्फ। यार तेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना, मुझे सारी के सारी अभी और इसी वक्त बता क्या हुआ था यहाँ पे, तुझे अगर कुछ आइडिया भी है तो। ऑल राइट गाइस, तो विजर्ड से बात हुई, विजर्ड मुझे बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे पहले यहाँ पर बहुत तगड़े वाला धमाका हुआ, उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा था एंड ये बाहर भाग कर गया देखने के लिए, तो भाई वहाँ पर कोई था ही नहीं, एंड सिर्फ उसे कुछ डॉग्स वगैरह यहाँ पे हमारे बचे हुए थे जो कि खड़े थे, इसने सारे के सारे डॉग्स बैठाए नीचे, फिर अदरवाइज मेरे पे टीपी जानते हैं और मैं पता नहीं कहाँ पर गया हुआ था उस टाइम पे लाइक एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो इसने बोला कि पता नहीं कौन बंदा है गाइस जिस बंदे ने यहाँ पे हमारे सारे के सारे जानवर मार दिए। भाई कोई बंदा ना हम पे पर्सनल अटैक कर रहा है, तो इसने बोला है कि वो हो सकता है ड्रीम बॉय हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे ड्रीम बॉय को पेला था। तुम लोगों का कैसे याद होगा, लास्ट विजर्ड्स लैब के एपिसोड के अंदर मैंने उसको ना एंड के अंदर ट्रैप कर लिया था, तो हो सकता है वो बंदा बदला ले रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता विजर्ड, मैं तेरे को बता रहा हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई उसको मैंने ऐसी जगह पे कैप्चर किया वहां से बाहर ही नहीं आ सकता है, और एंड में जाना इस वर्ल्ड के अंदर इम्पॉसिबल है, तुझे भी पता है वो चीज़ है ना। हम लोगों ने वो आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग होल्ड अब यहाँ से तो गायब हो चुका, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पीछे कहीं पे खुद से ओपन किया था स्ट्रॉन्ग होल्ड को। तो ये जो भी बंदा जिसने धमाके किया वो ड्रीम बॉय तो नहीं हो सकता, बट ये हो कौन सकता है? विजर्ड मेरी बात सुन, तू एक काम कर, एक अभी तेरे को ना मेरे लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे जिससे मैं ना खुद को डिस्गाइज कर सकूँ। तूने पबजी गेम खेली थी ना बहुत पहले, जिसके अंदर वो गिली सूट होता है, हम लोग घास के बीच चल के जा सकते हैं, वैसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर, एंड फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके एक बार देखने वाला हूँ कौन बंदा हो सकता है, मुझे ढूंढना है भाई। अभी जा जल्दी जा, फटाफट जा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर, तेरे को मैं 20 मिनट दे रहा हूँ, अगर 20 मिनट में तूने नहीं किया तो भाई मैं तेरे को उड़ा दूंगा, समझा ना, उड़ा दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। अभी गाइस मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे जितने डॉग्स बचे मैं इनके पास जाता हूँ, तब तक ये विजर्ड एक्सपेरिमेंट करके कोई ना कोई चीज बना देगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि किसने कांड किया हुआ है। हेलो 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 डॉगू, मेरे सिर्फ 6 डॉगी बचे यहाँ पे यार, आई मीन 7-8 बचे भाई सिर्फ। देखो ये जो ऊपर वाला डॉगी गाइस, ये तो मेरा पहले वाला कुत्ता है, एंड आई थिंक जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुत्ता था वो भी मर चुका है। ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड गाइस, लेट मी चेक, ये वाला कौन सा है हमारा, इसका नामकरण मैंने किया हुआ नहीं है, नो वेज डूड। अब तो गाइस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिसने भी किया है ना उसको मैं ठोक देने वाला हूँ। तुम लोग के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी गाइस मुझे ये वाला कांड करने के लिए, तो लाइक मारो, 1 like = वो बंदा खत्म, जड़ से उखाड़ दूंगा उसको आज मैं। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। विजर्ड भैया, व्हाट हैव यू मेड फॉर मी ब्रो, जल्दी बता, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ किया तूने या व्हाट? तेरे हाथ में पेड़ है, व्हाट द हेल ब्रो, आर यू, ओ माय गॉड, भाई तू एक सेकंड रुक, तू मुझे बोल रहा है कि मुझे पेड़ बनना है क्या? क्या मैं, तू एक बार इस पेड़ को बन के तो दिखा कैसे करते, क्या है भाई ये, मुझे बन के दिखा क्या है ये सीन, मतलब इसका, I just want to see this one time and what the hell bro, मेरे सामने सामने लौंडा पेड़ बन गया। ओ
ब्रो दिस इज परफेक्ट, दे वापस दे मेरे को ये, दिस इज परफेक्ट। ऐसे करके गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। एंड भाई अभी और इस वक्त देखो तुम लोग यहाँ पे विजर्ड, थैंक यू, पर इसको पहनना कहाँ पे है भाई? आई थिंक इसको ट्री आर्मर है हमारा, आई थिंक इसको हमको यहाँ पे हेलमेट की जगह पर पहनना है। नहीं इसको मैं पहनूंगा कहाँ पे भाई, तू मुझे ये तो बता एक बार। इधर डायरेक्ट राइट क्लिक, ओ माय गॉड, चेक दिस आउट गाइस, मुझे रेजिस्टेंस 2 भी मिला हुआ है। मुझे मार जरा एक बारी, फटके मार जरा मुझे एक बारी। ये देख यहाँ पे मेरे हर्ट्स भी नहीं जाएंगे, रेजिस्टेंस अलग से मिला। अरे नाइस ब्रो, बहुत बढ़िया विजर्ड, ये जो तूने एक्सपेरिमेंट किया ना भाई, इससे हमें पता चल जाएगा हमारे डॉग्स के कातिल कौन है। एंड जितने भी लोगों ने हमारे डॉग्स को मारा है उन सबको, अगर एक से ज्यादा भी हो ना भाई, मैं सबको उड़ा दूंगा। आई एम टेलिंग यू, सबको उड़ा दूंगा मैं गाइस। तो मैंने सबसे पहले सोचा हुआ जो ड्रीम बॉय का बेस है ना हमारे, इसके बैक साइड पे, हमारे इस वर्ल्ड के बैक साइड पे, वहां पर जाके सबसे पहले मैं डिस्गाइज होकर खड़ा होने वाला हूं। एंड लेट्स सी कि क्या ड्रीम बॉय वापस आया हुआ है, बिकॉज अगर ड्रीम बॉय वापस आया होगा ना भाई, तब तो गारंटीड है उसी ने किया है। बट अगर ड्रीम बॉय वहां पे नहीं होगा, जो कि मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसको मैंने एंड में कैप्चर किया हुआ है, वहां से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है यार। एंड अगर वो मरेगा ना गाइस, तो उसका रिस्पॉन पॉइंट भी मैंने वहीं पे सेट किया हुआ है, तो वो वहां से बाहर आ ही नहीं सकता मर कर भी भाई। एक काम करते हैं, ड्रीम बॉय के बेस में चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या वहां पर ड्रीम बॉय वापस आया कि नहीं आया। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहां पे अभी इसके बेस के पास पहुंच गया, पहन के रखते हैं। एंड एक काम करते, रुको ऊपर चलता हूं एक बार, और यहां पे कहीं पर इसकी एंट्रेंस है बंदे की। रुको कहां पे इसकी एंट्रेंस, दिखे मुख सामने यहां पे है, ठीक है ना। मैं यहीं पे कहीं पे अभी पेड़ बन के ऐसे रहने वाला हूं। एंड लेट्स सी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर ड्रीम बॉय होगा तो आने जरूर वाला है वो बंदा अपने बेस के अंदर, है ना। वेट करते इसका थोड़ा सा। अरे इसने क्या ये करके रखा है भाई, सब कुछ तो काम किया इसके लिए, यहाँ पे सब कुछ है भाई बंदे के पास, डायमंड्स है, सोना है, सब कुछ है, सारा मेरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ही नहीं है इसके पास। मैंने इसकी धजिया उड़ा देनी है भाई, अगर इसने मेरे साथ स्कैम किया है तो भाई ये बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है भाई। इतनी डायमंड्स कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको, साला इतना अजीबोगरीब चीजें इसने बना के रखा है यहाँ पे, पर मेरा जो माल है वो नहीं मिल रहा मुझे। साला ऐसे मार मार के इसके ना चिथड़े उड़ा दूंगा, पहले तो मेरे से काम करवाया और साला कुछ दे भी नहीं रहा जो मुझे चाहिए था। इसको ऐसे ना कहीं पे ऊपर लाइक 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाके छोड़ दूंगा, साला चांद पे से फेंक दूंगा इसको यहाँ पे, या फिर इसको ना एंड में लेके जाके ऐसा फंसा दूंगा ना, साला गिरता रहेगा, निकलेगा नहीं जिंदगी भर। इतना बड़ा स्कैम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, इसने कभी जिंदगी में ये मेरे साथ करेगा, इतना भोला वाला बन रहा था मेरे साथ, और अभी देखो आग का गोला है सारा ये। ऑल राइट गाइस, मैं दूर आ गया हूँ, आई डोंट थिंक सो इसको मेरी आवाज आएगी। पहले तो इस पेड़ के ऊपर से मुझे निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये पेड़ मेरे को यहाँ पे ना मेरा ये राज उगलवा देगा। गाइस मैं तुम लोग एक बात देता हूँ, ओ माई गॉड, अभी एस यू ने यहाँ पर एक चीज कन्फेस कर दी भाई खुद ही, ये ड्रीम बॉय के घर के अंदर कोई तो सामान ढूंढ रहा है, जो ड्रीम बॉय ने इसका चोरी किया हुआ, बदले में से कोई तो काम करवाया। गाइस मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एसजीओ तो भाई ये मेरे डॉग्स को नहीं मार सकता यार। हाँ ड्रीम बॉय एसजीओ से काम जरूर करवा सकता है ये डॉगियों को मरवाने वाला, बट एसजीओ क्या मेरे डॉग्स को मार सकता है? विजर्ड भाई अगर तेरे को मेरी आवाज आ रही है तो इधर आजा। हेलो भाई, पता नहीं इसको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही यार, अगर इसको मेरी आवाज आ रही होगी तो जल्दी भागता हुआ आजा भाई बैक साइड के लिए। गाइस मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, अभी ना मेरे को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या एसजीओ वो बंदा जिसने हमारे डॉग्स को मारा, बिकॉज अगर ये चीज कंफर्म हो गई तो फिर तो मैं एसजीओ की बैंड बजाऊंगा उसके बाद। एंड जो भी चीज एसजीओ की चोरी करी है ना ड्रीम बॉय ने, वो चीज मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं अभी। आई एम सो सैड, मेरे इतने सारे डॉग्स मर गए, प्रोफेसर जल्दी आओ भाई। अरे भाई विजर्ड मेरी बात सुन, अभी मुझे एक चीज पता चली है ब्रो, तेरे को पता यहाँ पे भी ड्रीम बॉय के घर के अंदर कौन था? एसजीओ था, एसजीओ। और एसजीओ ने कोई तो वहां पर बात कर रहा था कि ड्रीम बॉय ने उससे कोई तो टास्क करवाया जिसके बदले में उसको कोई सामान चाहिए था, मुझे नो आइडिया वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अभी ना मेरे को शक तो हो रहा है एसजीओ के ऊपर, पर यकीन नहीं हो रहा कि एसजीओ वाला कांड कर सकता है, बट ड्रीम बॉय ये कांड करवा सकता है। तो एक काम करते हैं ना, देख एसजीओ ने बोला कि उसने कोई ना कोई ड्रीम बॉय का काम किया, एंड हमारा काम क्या हो रखा है यहाँ पे, हमारे डॉगी मर चुके हैं। एक काम करते हैं, तू बहुत सारे डॉगीज लेकर आ, ठीक है ना, उन सबको मैं टेम करता हूँ, बैठाता हूँ नीचे, एंड लेट्स सी कि अगर दोबारा से एसजीओ उन पे हमला करता है तो हम समझ जाएंगे, समझ गए तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हम समझ जाएंगे कि एसजीओ ही कल्प्रिट है, फिर उसके बाद में छोड़ूंगा नहीं भाई मैं। मजाक, आ जा जल्दी चल फटाफट, तेरे को अभी यहाँ पे कम से कम 50 डॉग्स, 50 तो नहीं यार, तू एक काम कर ले, तू 12 से 15 डॉग्स और लेकर आ जा, मैं चाहता नहीं कि ज्यादा बलिदान देना पड़े इन लोगों का, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को भाई। अभी हम लोग यहाँ पे गाइस मेगा बदला ले, अगर एसजीओ नहीं हुआ यार तो वो कौन हो सकता है उसके अलावा ड्रीम बॉय की कोई ना कोई बंदा, कोई इविल विजर्ड नाम से एक और बंदा जो कि विजर्ड से स्ट्रांग बताया था उसने लास्ट टाइम मेरे को, यस तुझसे स्ट्रांग विजर्ड है ड्रीम बॉय के पास इस वर्ल्ड के अंदर, तो उसने मुझे बताया था, हो सकता है उसने मारा, फिर तो मैं उसको ढूंढ के रहूंगा भाई किसी भी हालत में, बट अगर एसजीओ ने मारा है ना तो अभी कंफर्म करते हैं। जल्दी जल्दी भाई तू जल्दी, और यहाँ पर कहीं पर रखी उन सारे के सारे डॉग्स को जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मुंह के सामने मैंने ऑलमोस्ट 10-12 डॉग्स यहाँ पे कर दिए हैं टेम अच्छे तरीके से, एंड अब इन डॉग्स को हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पूरे तरीके से पेट, ठीक है ना। तो भाई
अभी तो एक काम कर विजर्ड, तू गायब हो जा, मैं इस आर्मर को पहन के यहीं पर कहीं पर खड़ा हो जाने वाला, ठीक है ना? एंड लेट्स वेट फॉर एसजी, आएगा तो आएगा वो भ्रमण करता हुआ, क्योंकि जब तक उसका सामान उसको मिलेगा नहीं ना, वो हर जगह पे चेक करने वाला है। एंड जब वो गाइस यहाँ पर आएगा ना, तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हो जाने वाला हूँ सीधा देख के, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, अब वेट करते हैं एसजीओ का। ए गुल्लू, देखा क्या तुमने यहाँ पे, देखा क्या कुत्ते? ओह अरे गुल्लू तू तो लकी है भाई। एक मिनट, आई थिंक सो यही प्रॉब्लम था मेरे जीवन का कि भाई मैंने, उसने बोला था कि सारे डॉगीज का मर्डर करना है, ये कुछ डॉगी रह गए थे इसलिए वो माल आया नहीं उसके घर के अंदर। सो सॉरी डॉगीज, अभी पापी पेट का सवाल है। ऐसी पकौड़े, हेलो कौन मैं था? मैं कुछ नहीं था भाई, ये आप मैं थे? कुछ नहीं था मेरे सामने, मैं कुछ नहीं। दो डॉग्स को मार दिया आपने, शर्म आ रही थोड़ी भी? अरे मैं नहीं हूँ, मेरे को यकीन कुछ नहीं हो रहा है कि आपने ये वाला कांड किया है मेरे साथ। अब ये विलेजर हो ना, अब विलेजर हो ना ये? अरे भाई मैं हाँ मार दे, मैं विलेजर नहीं हूँ ब्रो। How dare you? आपकी हिम्मत कैसे मेरे डॉग्स को मारने की? आपके डॉगीज है, मुझे नहीं पता था भाई। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? जिसके भी आपको ड्रीम मैन ने बोला और आपने मार दिया आपको, अच्छा आपको जैसे पता ही नहीं, ड्रीम मैन ने आपको काम दिया और आपको पता ही नहीं कि मेरे डॉग्स के? अरे आप हो कहाँ पे? आप ढूंढ के दिखाओ मेरे को एक बार, जरा मान जाऊंगा मैं कहाँ पे छुपा हूँ। अरे घर के अंदर छुपते, आमने सामने बातें करते हैं ना। सामने भाई मैं बैठा हूँ, आप बोलो सामने, इधर हो आमने सामने, सामने हो भाई, मैं एकदम विलेजर बने हो, आप विलेजर बने हो ना? अरे विलेजर नहीं बना, अरे अगर मैं विलेजर बना भी हूँ तब भी इससे आपके गुनाह कम थोड़ी हो जाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे मेरे डॉग्स को मारने की? अरे गुनाह किया, ये तो रैंडम कुत्ते, उसने मुझे बोला था इस उम्र में कुत्ते बढ़ गए सारे के सारे, मैंने सारे के सारे। आपको क्या लगता है, आपको पता है ड्रीम बॉय की मेरी कितनी बड़ी दुश्मनी इस वर्ल्ड के अंदर, कितनी बड़ी दुश्मनी है ये तो आपको पता है? उसके एंड के अंदर किसी ने ट्रैप किया हुआ, ये बोला उसने किसने ट्रैप किया हुआ? मुझे ट्रैप बिप का कुछ नहीं बोला उसने, मुझे उसने बोला कि देख अगर तुझे ये माल चाहिए, और वो माल मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार जो उसके पास क्या है। माल है भाई उसका, आपके पास, आपका उसके यार पास? मैं नहीं बता सकता, आप भी उसके पीछे लग जाओगे क्या? और पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मेरी। अरे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो उसके पास है, जो मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे। आप क्या हो, आप हो आप? God, SGO की हिम्मत तो देखो, देखो सॉरी मैन, मुझे करना नहीं, 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 नहीं। हिम्मत कैसी हुई, हिम्मत कैसी हुई आपकी मेरे डॉग्स को मारने की? हिम्मत कैसी हुई आपकी भाई? आप ये क्या ड्रीम ही बन गए हो? अरे तो भाई डिस्गाइज होना पड़ता है आपको पकड़ने के लिए। अब भी मुझे समझ में आया, वो घर के पास भी आप ही मुआयना कर रहे थे ना? अरे तो भाई मुआयना करके ही तो पता चला कि आप तो पे टेस्ट कर रहा था, नीचे घुस गया बंदा भाई। नहीं नहीं मैं नहीं मर सकता भाई, देखो स्मार्टी मैं आपको बता सकता हूँ, ये सिंपल चीज है कि ड्रीम बॉय बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, आपको ये पता है, मुझे पता है। उसने मेरे को बहुत ज्यादा तगड़े वेपन्स दिए, मैं आपका मर्डर कर दूंगा। देखो मेरे पास तलवार है भाई, मेरे डॉग्स को मारा तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मुझे नहीं पता था आपके डॉग्स है यार। मेरे डॉग्स को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं छोड़ दूंगा, मैं बोल रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा, देखी जाएगी, मार दूंगा, मार दूंगा, देखी जाएगी आज स्मार्टी को, देखी जाएगी आज तो मर्डर होगा भाई, आज आपके सामने मार दूंगा कुत्ते, आपके सामने कुत्ते मारूंगा, अब तो मैं डेंजर नहीं मार दूंगा आपको। यार ये बहुत ओवर पावर्ड है एसजीओ। ओ भाई साहब, ओके ये एक सेकंड स्पॉन हो गया भाई विजार्ड, मुझे जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट्स बता, मैं पता नहीं कहां पे स्पॉन हो गया भाई अभी ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है विजार्ड, जल्दी कर। अरे भाई विजार्ड 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 कहां है तू? जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी मुंह के सामने आ, कहां है तू? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वो एसजीओ था, जल्दी आ। सारे के सारे जो हमारे जान में मरे वो एसजीओ ने मारे हैं ब्रो, वो बंदा बहुत ओवर पावर्ड हो गया। तुझे याद होगा लास्ट टाइम पे ड्रीम मैन ने मेरी क्या बैंड बजाई थी, उसके पास कोई तो पावर्स है ठीक है ना, एसजीओ ने मुझे 3 शॉट मारा है भाई मेरे नेदरराइट के आर्मर में, इट इज इम्पॉसिबल, वो बहुत ओवर पावर्ड है। तुझे ना अभी मेरे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देख अब जो मैं तुझे बोलने वाला हूं ना तेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, आई नो, पर तुझे करना पड़ेगा अभी और इसी वक्त, तुझे हमारे इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इलीगल वेपन्स बनाने पड़ेंगे, इलीगल वेपन समझ रहा है ना? देख तू मुझे बता, तू ना कर रहा है, मुझे याद है क्या लिखा नीचे बंदा लास्ट टाइम, याद है तुझे हमने मना किया था इलीगल वेपन्स के लिए? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है इलीगल वेपन्स के लिए हमने मना किया था, लेकिन अभी एसजीओ को इलीगल वेपन से ही मारना पड़ेगा, समझ रहा है तू भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कान को, अरे क्या लिख रहा है बंदा? नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, इससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकती है भाई, सुन ऐसे वेपन बना जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन ना हो, बट मैं एक बंदे को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। विजर्ड ब्रो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, आंखों में डाल के देख ब्रो, हमारे जानवर मर चुके हैं, बदला लेना बनता है, एक एक सोल से बदला लेना बनता है भाई, समझ रहे हैं तू? उनकी क्या गलती थी, ड्रीम बॉय की गलती एक्चुअली में, एसजीओ की भी नहीं है, पता नहीं क्या सामान उसने एसजीओ का उठाया हुआ है,
जिस वजह से एसडीओ ने वाला कांड किया, पता भी करना है उसका, ड्रीम बॉय से बदला भी लेना, बट अभी एसडीओ से बदला लेना जरूरी है। तू अभी और इस वक्त इलीगल वेपन्स बनाएगा, समझ रहा है ना तू मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, काम पे लग जा, तेरे को मैं 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ गाइस अभी। और सुन, तेरे को किस टाइप के इलीगल वेपन्स बनाने हैं? एसडीओ बहुत स्ट्रांग है, मुझे एक फटका मारा है ना मैं ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ, ठीक है ना, फटके में तो कुछ ऐसा बना जिससे मैं उसकी रेंज से दूर जा सकूं, लाइक हवा में उड़ सकूं। एंड ऑफ कोर्स इलाइट्रा का यूज नहीं करूंगा, मैं इलाइट्रा बहुत बकवास चीज है, फाइट होती नहीं उसमें। कुछ ऐसा जिससे मैं उड़ सकूं, उसके ऊपर मैं बम फोड़ सकूं, उसको मैं दूर से मार सकूं, उसको मैं, समझ रहा हूं मतलब, जैसे ये गिली सूट बना भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स भाई। इस तरीके के कुछ इलीगल वेपन्स बना जिससे मैं उसको बेलूंगा। चल काम स्टार्ट कर ले गाइस, अभी विजिट करेगा हमारे इलीगल वेपन्स पे काम स्टार्ट। और मैं क्या करने वाला तुम लोगों को बताया, बाहर जाके वेट एंड अपने डॉग्स का मैं थोड़ा सा खेलता हूँ यार। भाई मेरे को बहुत दुख हो रहा है, लो मेरे डॉगू सॉरी यार, तुम लोगों को बचा नहीं पाया। थिंक ओ माय गॉड, ये डॉग्स भी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भी वो वीक हो रखे होंगे। मैं ना इनके ऊपर गाइस एक रीजनरेशन का पोशन भी मार दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अभी कुछ पोशंस वगैरह मैं इससे लेकर आया हूँ। जब तक ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैं क्या करता हूँ थोड़े बहुत पोशंस मार के अपने डॉग्स की ना हेल्थ बढ़ा देता हूँ यार, बिकॉज आई नो कि ये लोग अभी बहुत ही ज्यादा लो हेल्थ में होने वाले हैं। आ जाओ थोड़ा साइड में आओ, अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो सारे के सारे डॉग्स नीचे आएंगे। शाबाश शाबाश मेरे डॉगू, आ जाओ। एक वहां पे मारूंगा और एक मैं इन लोगों के ऊपर मारने वाला, दैट्स इट, इनकी हेल्थ बन बढ़ जाएगी। आज गाइस कुछ बहुत ही ज्यादा कांड होने वाला है इस वीडियो के अंदर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आ जाएगा असली मजा। विजार्ड आई एम बैक ब्रो, अभी तूने अगर मुझे गलती से भी बोला 5 मिनट का टाइम और चाहिए तुझे, तो भाई मैं तेरे को 5 फटके मारने वाला हूं तेरे पिछवाड़े पे, समझाना। जल्दी बता, हेलो मान गया, जल्दी बोल जल्दी बोल। अरे नाइस, जल्दी दे मेरे को सामान दे। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द, ओ ये बढ़िया भाई, ये हथौड़ा बढ़िया है, ये बीकन तूने क्यों बनाया, तू पागल है, ये क्या है? ओ शिट, तलवार भी है और एक ये, वेट चिकन, तूने चिकन का बलिदान दिया क्या भाई? हमने अपने कुत्तों का बदला ले रहा, तू यहाँ पे चिकन का बलिदान दे रहा है, व्हाट द हेल इज दिस थिंग, व्हाट भाई? मैंने क्राउच दबा के रखा होता, मैं हवा में उड़ गया और मेरी स्पीड स्लो गई। ओह ये तूने इसलिए बनाया था कि मैं एसजीओ के हाथ में ना हूं और मैं हवा में उड़ जाऊं जब भी मेरे आसपास आएगा। दिस इज सो गुड डूड्स, दिस इज, आई मीन मैं तो मजाक, एक सेकंड रुको जरा, स्लो फॉलिंग लगती है इसको, जैसे मैं हटाऊंगा तो आई थिंक स्लो फॉलिंग हट जाएगी। गॉट इट, ये क्या है, एक्वा स्वॉर्ड, ये एक्वा स्वॉर्ड क्या करती है? ओके पानी में ब्रीदिंग वगैरह डॉल्फिन्स के साथ हम लोग तेज तैर भी सकते हैं, मेरे को इस स्वॉर्ड के साथ पानी में जाके ज्यादा हेल्प हो गई। ये क्या है ब्रो? ओके इससे उसको पॉइजन वाला इफेक्ट लगेगा, जिससे क्या होगा हम उसको इजीली मार सकते हैं। एंड व्हाट द हेल इज ऑब्सीडियन कैनन, भाई मारूं तेरे को मैं इससे, कुछ क्या होगा मुझे बता दे एक बारी, खतरनाक चीज है क्या ये? ठीक है इसका मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर नहीं सकते, इससे मुझे फायर रेसिस मिला बाय द वे। एंड बेसॉल्ट हैमर, ये क्या है भाई, व्हाट ये क्या हुआ, वेट 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 मैं आगे देख रहा हूँ, ये 360 डिग्री मारता है, ये 360 डिग्री मारता है, हैं? Bro, this is so illegal, dude. I'm telling you, this is so illegal. Laser driller, ये क्या कर? Oh, ये ज़मीन को. Nice, bro. Thank you, भाई. भाई इतने काफी होंगे, इतने काफी होंगे. I think मैं इतने के साथ ही ना SZO की बैंड बजा दूँगा. I am telling you, इतने illegal weapon काफी है, भाई. But इसने मुझे कुछ वो पारने वाला obsidian cannon वैसे दिया, तो इसने होता क्या है इससे? इससे मैं, wait, इससे तो एक block भी नहीं जा रहा है. इससे गाइस, अरे मेरा हाथ देखो गाइस, बैक साइड से मेरा हाथ देखो, क्या ही तगड़ी चीज बना के दी है भाई इस लौंडे ने मेरे को, मेरा हाथ वो टर्मिनेटर का हाथ बन चुका है लिटरली। एंड आई थिंक गाइस ये जो ऑब्सीडियन कैनन है, ये जो ऑब्सीडियन को छोड़ते हैं, इसका इतना वेट होगा ना कि जिस बंदे को हिट करेगा उसकी बहुत हर्ट जाने वाले है। दिस इज परफेक्ट, आजा भाई गाइस उड़ उड़ के चलते हैं कहीं पर भी, अभी मैजो को मारना, अभी वो होगा कहां पे यार, होगा कहां पर ये बंदा, अभी ये मुझे दिख जाएगा, आजा भाई, हेलो एसजीओ जी, वेयर आर यू माय ब्रदर, वेयर आर यू माय ब्रदर, है भाई हेलो, पता नहीं कहाँ है भाई लौंडा, रुको मेरे को आगे जाना पड़ेगा, शायद ड्रीम बॉय के अड्डे के आसपास हो सकता है बंदा। ड्रीम बॉय ने तो बड़ा ही स्कैम कर दिया, अभी तो पेल दूंगा, साले ने मेरे से काम करवाया और माल भी नहीं दिया यार, लेट्स गो, लेट्स गो, नहीं दिया ना उसने आपका माल, ऐसा होता है मेरे बेटे, मुझे किसी ना किसी को तो मारना ही है, मेरे खोल रहा है भाई, मेरा माल मेरे को नहीं मिला है भाई, किसी ना किसी को मारना, आप मुझे मारोगी, मुझे मारोगी, आप मुझे मारोगी, उड़ उड़ के बिड़ के कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ भी चीज लेके आए, मेरे को मारेगा। ये क्या चिकन आर्मी बना दी भाई इसने, चिकन आर्मी, ये क्या था
ये केएफसी के जादू टोने कर रहे हो आप मेरे ऊपर। बाकी ओ भाई क्या, मेरे को इसके बारे में नहीं बोला विजर्ड ने, मां कसम व्हाट द हेल विजर्ड। अरे अभी अभी जानवर मार रहे हो, ये पर चल रहा है, अभी मार रहे हो चल रहा है। ओ अभी तो आपको बेलना है भाई, लेकिन डर के बारे में बात कर। लेट्स गो गाइस, दिखाओ सामने तो आके दिखाओ। आई थिंक इसका ना बहुत सारा हर्ट जा रहे होंगे चिकन। आजा मेरे पीछे। अरे नहीं कुछ नहीं जा रहे भाई, आप आओ तो सही, हाथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं भाई। एक तो अरे हैंड टू हैंड क्या भाई, ड्रीम बॉय के वो टोटके लगा के आया हुआ है और उसका हैंड टू हैंड बोलता जा। चमचा लेके घूम रहा है भाई, मैगी का चमचा आपको पहले कहा आजा। इलीगल वेपन है हमारे एमलैंड के, समझा ना। मेरे को गुल्लू बचाएगा, गुल्लू अटैक। अरे गुल्लू को भी पेल देंगे भाई, टेंशन की क्या बात है। यही सुरेश है भाई, देखो आजा, देखो जनता देख, आजा 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 मेरे बेटे। अरे चुप जा आजा मेरे बेटे, ये है हमारी टीएनटी कैनन। टीएनटी कैनन नहीं, क्या है भाई, हमारी कैनन है हमारी। आजा कुछ भी हो रहा है, हिम्मत है तो नीचे कुत्तों को मारा भाई आपने। आपको मैं छोड़ ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता था, मुझे मेरा माल चाहिए भाई, मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या माल है वो मुझे बता दे, ऐसे आपको मैं जिंदा छोड़ दूंगा। मैं नहीं बता सकता, फिर आप भी उसके पीछे लग जाओगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अरे मैं नहीं लगूंगा भाई, मेरे कुत्ते मर गए, मेरे लिए वो सारे इस वर्ल्ड के अंदर वो मिलना इम्पॉसिबल है। माय गॉड पहुंच गया, मैं बोल रहा हूँ ना, गिर के देखो मर जाओगे। अरे कैसे पहुंच रहा है देखो, अभी कैसे जियोगे। खाना खाने की ट्राई करो हवा में, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप नीचे मारना है, ओ भाई मारना है इसको अभी। छड़ूगा नहीं, छड़ूगा नहीं, छड़ूगा नहीं। चिकन्स कम ऑन, चिकन पावर शो, इलीगल चिकन पावर, इलीगल चिकन पावर, इलीगल चिकन पावर। आराम से प्लीज स्माइटी, ये बस बहुत हो गया भाई, हम फालतू में झगड़ रहे हैं भाई। फालतू में झगड़, मेरे कुत्तों को मार के बोल रहे फालतू में झगड़ रहे ब्रो, इट वाज अ बिग डील। इतने गुल्लू क्यों है यहां पे, इतने गुल्लू। इट वाज अ बिग डील ब्रो, इट वाज अ बिग डील टू बी मैन। मेरे कुत्तों को मारना, देखो देखो ये मार के हमारा, हम बेसिकली ये देश को, ये ड्रीम बॉय की साजिश है ये, बाकी कुछ नहीं है। अरे जिसकी मर्जी साथ, अरे मुझे बस आयरन गोलम ने पेला। मैं मर गया, मैं मर गया ना तो फिर वाट लग जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे हो जी मेरा, ये बंदा कहीं मैं मिलूंगा ही नहीं भाई, मैं आगे से अच्छो आपको ही पता है। आसपास छुपा है बंदा, मां कसम पता नहीं कहां पे है। आसपास छुपा नहीं, पीछे देखा करो, ये आजा पीछे से मारेगा। मर जाऊंगा, दो आइट नहीं, ये मरने वाला, ये मरने वाला लौंडा भी स्मार्टी नहीं, भाग रहा है, ये भाग रहा है, कुत्ते का बदला लूंगा। अरे भाई मैं खुद मरने वाला हूँ। नहीं 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 मेरे बेटे ऊपर जाएगा, मेरे बेटे। गुल्लू मार, गुल्लू मार भाई, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके पास, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे को कुछ शौक मिलता है, आप बता दो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तब भी मैं आपको छोड़ दूंगा। बताओ तो सही क्या है वो। देखो प्रॉमिस करो कि आपको कुछ ऐसे उसके पीछे नहीं रखोगे आप। अरे मैं नहीं लूंगा पक्का। एसडीओ मुझे बता दो भाई वो चीज क्या है, मैं छोड़ दूंगा, मैं ड्रीम बॉय से बदला लेने जाऊंगा फिर भाई। अरे यार मैं नहीं बता सकता है ना, यार कितने ज्यादा ओवर पावर्ड हो, स्टिल आपके मैंने कितने हर्ट्स खा लिए पता है ना ब्रो। पर मैंने वो चीज बता दी तो आपको भी लालच आ जाएगा, और अभी मुझे वैसे भी आप ढूंढ नहीं सकते भाई। मैं ऐसा छुपा हूं, मैं ऐसा भाग गया हूं कि ऐसे मैं बता रहा नहीं घुसा हूं। नहीं नहीं घुसा हूं भाई, आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं हूं भाई। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं हूं मैं भाई, क्या बोल रहे हो। वेट वेट वेट, मेरे को पूरा यकीन है इस इलाके से आप कहीं जा। आहा, नहीं नहीं नहीं, मैं हूं नहीं यहां पे, आप क्या बोल रहे हो। एसडीओ मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास इतने इलीगल वेपन्स है ना, आपकी बैंड बच जाएगी यहां पे। कहां है ए, रख लीजिए क्या, मेरे को मारेगा भाई, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बता दो अभी भी, बता रहा हूं मैं वो चीज क्या है। मैं नहीं हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। देखो ये चिकन आपको मारेंगे तो अपने कुत्तों की कसम मेरे को छोड़ दो भाई, ते मर गए भाई, कसम मेरे को कोई फायदा नहीं है। आपने आपने कसम झूठी खाई थी इसलिए मर गए, देखो मैं बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, कहां गए, कहां गए, अब भी इसकी तरह दिख गया, देख गया, मैं कैसे बोल रहा हूं, बहुत हेल्थ कम है मेरे को, बता आपकी बहुत हेल्थ कम है, जो बता दो प्लीज। आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। उसने मेरे 64 पाव चोरी किए हैं। व्हाट व्हाट, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। 64
44 पाव के लिए आपने मेरे डॉगीज मार दिए, वो भी कम से कम भाई 50. पाव की वैल्यू पता है आप कौन से, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ये फालतू बायोम के अंदर, यहाँ पे ब्रेड नहीं अभी मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे आपका, आपने सिर्फ उसे पाव के लिए मुझसे मांग देता भाई, मैं आपको पूरी खदान दे देता पाव, कहाँ गया बंदा, नहीं दे सकते आप खदान, इस वर्ल्ड के अंदर पाव है ही नहीं, जवाब पूछूंगा नहीं, कहाँ है बंदा, है कहाँ है बंदा, मैं इसको कुत्ते का ढूंढने वाला भाई, कहाँ है बंदा, क्या हो भाई, नाम मिलते ही है भाई, जल्दी बताओ कहाँ हो आप, ओ नो 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 नो, देखिए 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 मैं अभी आप अभी आप आशा कोई नहीं, इसने पाव के लिए मेरे कुत्ते को मारा 64 पाव के लिए, ओ माय गॉड, पाव नहीं थे मेरे पास, देखो मैं पाव कब से ढूंढ रहा हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, उसने मुझे बोला कि मेरे पास इस दुनिया के सारे पाव है और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा मेरे लिए, आपको सिर्फ कुत्तों के कुत्ते, वो बोल रहे थे कि कुत्ते यहाँ पे रेबीज फैला रहे हैं इसलिए मार दो सबको, नहीं 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 ऐसे हो यार, इससे बड़ा झूठ ही बोल देता मेरे को, कुछ ऐसा बोलता कि जो सॉलिड होता है यार, मैं 1000 एमराल्ड्स के लिए 1000 डायमंड्स के लिए किया इसने भाई, भाई आपको भी पता है डायमंड बीमन की लालच है नहीं मुझे यार, मुझे लालच है सिर्फ पाव की, कहाँ गया बंदा भी, अजय आप बचोगे नहीं, देखो ये वैल्यूएबल बोट है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं अटैक कर सकते आप, ओके बोट के ऊपर चढ़ा लग गया पता, अभी तो मैं सब कुछ बोट बोला भाई, अभी तो मैं सब कुछ बोट देने वाला भाई, नहीं ए ठीक है मेरे को ब्रो, यू आर गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू डाई माय ब्रदर, भाई मैं मर जाऊंगा, मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे जानबूझ के फंसाया भाई, और ओ मरेगा, बच गया, पानी के नहीं नहीं मरेगा, पानी के बचेगा, मैं बिल्कुल नहीं मरेगा भाई, एसजे भाई पानी का गॉड हूं मैं, पानी का गॉड कौन है, कछुए के नीचे हूं, अगर आपने मुझे मारा तो कछुआ भी मर जाएगा, देखो भगवान आपको देख रहा है, एक एक बात है यार, ये गलत बात है, नहीं 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 मैं सच्ची में कमहाट पे हूँ, मेरे पास खाना नहीं है ब्रो, मैंने खाने के लिए किया जो किया वो, नो 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 नो, पानी के भी जाएगा, पानी के भी जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा भाई नहीं जाएगा, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं दो हार्ट पे हूँ सच्ची, मेरे डॉग इसको मारेगा, मेरे डॉग इसको मारेगा, मेरे डॉग इसको मारेगा, मेरे डॉग इसको मारेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इतनी हिम्मत, अजय ये आपने दुनिया के सबसे बड़े बड़ा कांड कांड कर दिया, सबसे बड़ा दुनिया का, नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ा कांड ये था दुनिया का जो कि था स्मार्टी बाई के कुत्तों को मारना, अभी मैं छोड़ने वाला नहीं आपको, अरे भाई मुझे पता ही नहीं था वो स्मार्टी बाई के कुत्ते, मुझे लगा तो वो स्ट्रीट डॉग्स है यार, नहीं छोड़ेगा भाई, अरे ये इल्लीगल वेपन्स के साथ लड़ रहे हो आप और शॉट मार रहे हो भाई, हिम्मत तो हाथ दो हाथ करो ना, इधर आए पानी के, अरे ब्रो मैंने बोला पानी के बीच, तो भाई मैं गॉड हूं, डू यू नो व्हाट आई हैव, अरे नहीं ब्रो आप गलत गलत वेपन यूज कर रहे हो यार, आप मारने के लिए ये गलत है, मैं नॉर्मल वेपन से मार रहा हूँ यार आपको, अरे भाई अभी मेरे डॉगीज को मार रहा है, माफ कसम मैं दो हार्ट पे हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं आपको साथ दूंगा ड्रीम बॉय को मारने के लिए, बोलो लेट्स गो, जो मेरे डॉग्स को हाथ लगाएगा मैं उसकी दुनिया उड़ा दूंगा, दुनिया हिला दूंगा उसकी, मैं समझे ना ऐसे, आपने बहुत बड़ी गलती करी थी, हाथ नहीं लगाया मैंने, स्वॉर्ड लगाई थी यार, ये कैसे हाथ है, स्वॉर्ड तो हाथ में पकड़ी थी ना, ऐसे मेरा बदलाव से पूरा हुआ, अब मैं ड्रीम बॉय से बदला लूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे तो मेरे को अलग बदला लेना है, मेरे पाव के साथ स्कैम किया है भाई, 64 पाव के लिए इसने मार दिया सबको भाई, यार ऐसे मान लिया भाई, ठीक है गाइस मेरा हो गया भाई इस वर्ल्ड से फिलहाल को, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने इतने प्यार से डॉगीज पाले थे यार, ड्रीम बॉय ने मेरा सारा सपना वेस्ट करवा दिया मेरे डॉग्स का यार, चलो गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया, बदला पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी हम लोग और भी जब बहुत धासु धासु वीडियोस फ्यूचर के लिए बनाने वाले, देखो छोड़ के चला गया तो भाई जा, सुन रहा हूँ यहाँ पे, तब तो गाइस ठीक है ना, तुम लोग लाइक शो कर दो, क्या पाओ का शौक है भाई, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग ऐसी था, नेक्स्ट वीडियो में कहते हैं, बाय बाय, पावर इज शक्ति, पावर इज पावर।